एयरटेल ने यहाँ पे अपनी प्राइस बढ़ा दी है रिचार्ज की, एंड उसी के साथ 24 घंटे बाद वीआई ने भी बढ़ा दी है। क्या आपको लगता है अभी जियो भी बढ़ाएगी? तो आज के वीडियो में इसी के बारे में एनालाइज करने वाले हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है, क्या रियल में एयरटेल जियो इन सभी की प्राइस बढ़ेगी या फिर और कुछ हो सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, एंड आई एम कुलदीप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ यहाँ पे, तो जो एयरटेल ने प्राइस बढ़ा दी है लगभग यहाँ पे कुछ दिनों पहले उन्होंने 50 का रिचार्ज 79 का करा था, एंड देन अभी उन्होंने वो 99 का कर दिया। मतलब आपको हर महीने आप यूज़ करो या मत करो 99 रुपीज़ उनको देने होंगे। उसके साथ वीआई ने भी बढ़ा दिए अपने चार्जेस, एंड जो तीन महीने का रिचार्ज था पहले वो 600 का मिलता था जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, बट अभी जो है वो हो चुका है 729 रुपीज़ का, 719 रुपीज़ का, मतलब 720 रुपये। उसी के साथ वीआई ने भी बहुत सारे चार्जेस बढ़ा दिए, बट स्टिल जियो ने अब तक कुछ भी अनाउंस नहीं करा है, ना उन्होंने बढ़ाए है। एंड बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि जियो में चले जाना चाहिए, जियो में पोर्ट कर लेना चाहिए जब ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा। बट रियली में क्या आपको लगता है जियो भी बढ़ाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और मैं अपना बता दूँ मुझे क्या लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो फर्स्टली एयरटेल ने एंड वीआई ने यहाँ पे क्यों बढ़ाए हैं चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी जो रेवेन्यू थी वो कम थी उनके हिसाब से जो वो कमा रहे थे, क्योंकि यूज़र तो कम है, यूज़र बेस ज़्यादा जो है जियो के पास है, बहुत सारे जियो के यूज़र है एज कम्पेयर टू एयरटेल एंड वी आई। देन एयरटेल को भी पैसे कमाने हैं, वी आई को भी पैसे कमाने हैं, उसी के साथ साथ एंड जो उन पर कर्जा है, मैं कहूँगा इन शॉर्ट, जो वो पहले बहुत डाउन चली गई थी कंपनी जब जियो ने डायरेक्टली फ्री देना स्टार्ट करा था, एंड उनको जो रिकवर करना है पैसा उनके लिए उन्होंने रिचार्ज बढ़ा है। बट अभी बढ़ाने की क्या ज़रूरत, एज़ कम्पेयर टू जियो वैसे ही उनके रिचार्ज महंगे थे। तो रीज़न इज़ जब 5G आएगा, जो कि 5G आ जाएगा 6-7 महीने में या फिर एक साल के अंदर अंदर 5G हमें देखने को मिलेगा अब। बट जब 5G आएगा तब गवर्नमेंट जो है उनके स्पेक्ट्रम रिलीज करती है, लाइक स्पेक्ट्रम बेचे जाएंगे 5G के, एंड उन स्पेक्ट्रम को बाय करना पड़ता है इन टेलीकॉम कंपनी को, एंड वो स्पेक्ट्रम बाय करने के लिए गवर्नमेंट को भारी रकम देनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिले एंड ज़्यादा अच्छी 5G कनेक्टिविटी आपको मिले। देन 5G आएगा तो आपके चार्जेस तो वैसे भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 5G के न्यू प्लान्स आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर मोर स्पीड, एंड वो स्पेक्ट्रम बाय करने के लिए उन्होंने अभी से आपसे लेना शुरू कर दिया है, एंड देन अभी वो आपसे पैसे लेंगे, देन उसको बहुत सारी जो रकम उनके पास जमा हो जाएगी, एंड देन वो यहाँ पे 5G के स्पेक्ट्रम बाय कर सकेंगे जब भी इंडियन गवर्नमेंट उनको बेचेगी, क्योंकि अभी तो बेचा नहीं है, बट यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा मेरे ख्याल से 5G आ जाएगा इंडिया में, देन तब स्पेक्ट्रम बेचने होंगे। तो स्पेक्ट्रम बाय करने के लिए नॉर्मली बात है इनको पे करना होगा, नॉट 100% बट कुछ परसेंट पे करना होगा, उसको जमा करने के लिए उन्होंने ये कुछ करा होगा मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि वीआई के पास भी पैसे कम है, क्योंकि यूज़र बेस कम है, एयरटेल के पास भी यूज़र बेस कम है, कम यूज़र्स है तो उनके पास भी पैसे कम है, वैसे एयरटेल इंटरनेशनल कंपनी है बट फिर भी। देन आप मुझे अभी लगता है कि जो है वो नहीं बढ़ाएगी, क्यों, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जियो के ओनर हैं उनके पास मल्टीपल बिजनेस है, एंड उनको सिर्फ इंडिया में कम से कम प्राइस में यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कराना है सभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से अभी तो वो नहीं बढ़ाएंगे अपनी प्राइस, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू होता है पर पर्सन वो एयरटेल का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वीआई का है, सबसे कम जियो का है, बट जियो का सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है, उनके पास बहुत सारे यूज़र्स अवेलेबल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी जियो बढ़ाएगा। अगर जियो ने बढ़ाए तो फिर कोई भी सिम यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जियो ने कम रखे तो ऐसा भी हो सकता है कि एयरटेल का यूज़र बेस और कम हो जाए या फिर उसी के साथ वीआई का भी और कम हो जाए एंड लोग जियो पर स्विच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कम प्राइस में रिचार्ज मिलेगा, एंड नॉर्मली अब जियो भी 5G लाएगा, बट जियो के पास ज़्यादा पैसे है क्योंकि ज़्यादा यूज़र बेस है, एंड कम ही रिचार्ज रहेगा एज़ कम्पेयर टू एयरटेल एंड वोडाफोन, जहाँ तक मुझे लगता है, जितना मैंने इनको एनालाइज़ करा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जियो का रिचार्ज है कम ही रहेगा, एंड यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो जियो में, बट एंड अभी मैं फाइनली नहीं कह सकता, अभी देखेंगे क्या होता है, बट ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यूज़र जाना शुरू हो जाए जियो की तरफ, तो इनको फिर से कम करने पड़ेंगे अपने प्राइस,
ताकि जो उनके यूज़र है वो बचे रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा यूज़र जियो के पास जाने से उनके जो रिचार्ज है उनको कम करना पड़ सकता है। तो अभी देखेंगे क्या होता है एंड आपको क्या लगता है कि कौन सबसे पहले 5G लाया गया एंड कौन सी टेलीकॉम कंपनी आपको बेस्ट 5G ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी देगी। तो मुझे तो अभी नो आइडिया इसके बारे में, बट आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। देन यही था आज के वीडियो में एंड फाइनली मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि जो उन्होंने करा है उनके हिसाब से सही करा है एंड हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं, लाइक पोर्ट कर सकते हैं जियो में। अगर जियो ने भी बढ़ा दिए तो कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, हमको ज़बरदस्ती है यहाँ पे, ज़बरदस्ती तो नहीं है क्योंकि नीड है अभी सभी के पास, सभी को डेटा चाहिए चाहे कितना भी महंगा हो जाए। बट मेरे ख्याल से एक लिमिट तक आने के बाद इनकी जो प्राइस है वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन है एंड एक कंपनी ने अगर कम रखे बाकी ने बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली सब के सब कम वाले के पास ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, बट हो सकता है कि जो कुछ भी ना करे एंड जो फिर फ़ायदे में रहेगी अगर जियो ने कुछ भी नहीं करा तो, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स जियो को मिलने वाले हैं एंड बहुत यूज़र बेस हो जाएगा जियो का। तो आपको क्या लगता है? मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि जियो पर स्विच छोड़ना चाहिए एंड आप भी देखिए क्या करना है। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट देखेंगे अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा एंड उसके लिए आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलेंगे एंड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।